आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि 2023-24 में ई शिक्षा कोष में नए छात्रों की एंट्री कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर के गूगल क्रोम पर जाएंगे। गूगल क्रोम पर जाने के बाद उसका जो सर्च बॉक्स है वहाँ पर हम लिखेंगे ई शिक्षा कोष .bihar.gov.in। यह लिखने के बाद हम एंटर दबाएंगे तो इस तरह का ई शिक्षा कोष का खुल जाएगा। उसके बाद हमें ये स्कूल वाले कॉलम पे टिक करना है, अपने विद्यालय का डायस कोड डालना है। डायस कोड डालने के बाद हम नीचे अपने विद्यालय का जो हमने पासवर्ड बना रखा है वह पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद उस सम को हम सॉल्व करेंगे, 1 × 2 = 2। उसके बाद साइन इन जो दिख रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। साइन इन क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का दिख रहा है, स्टूडेंट वाले पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर में दिखा रहा है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। इस स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का हमें नज़र आएगा। पहले हम यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक कर लेंगे। सर्च बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमने पहले से जितनी डाटा इसमें भर रखी है और छात्रों की वो सब इसमें दिखाएगा, मगर हमें नए छात्र को जोड़ना है इसलिए हम ऊपर में दिखा रहे ऐड या जोड़े पर क्लिक करेंगे। ऐड या जोड़े पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद पूरा एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें हम नए छात्र की एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें हम क्लास डालेंगे। क्लास अगर वन क्लास का नए बच्चों का एडमिशन किया है उसका एंट्री करनी है तो क्लास डालेंगे। सेक्शन में हम लोग ए डालेंगे और उसके बाद फिर ये ध्यान देंगे कि जहाँ पर भी ये स्टार बना हुआ है वह फील्ड मैंडेटरी है, यानी उसे भरना ज़रूरी है, और जहाँ यह स्टार नहीं बना है उसे आप छोड़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बच्चे के नामांकन संख्या यानी एडमिशन नंबर डालेंगे। जैसे मैं यहाँ अपने बच्चे का 2 डाल रहा हूँ। एडमिशन नंबर जो आपके एडमिशन रजिस्टर में होगा जब आपने रजिस्टर किया होगा। उसके बाद यहाँ पर हम उसकी मीडियम डालेंगे। फिर उसका डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन डालने के लिए आप यहाँ इस तीर के माध्यम से उस महीने पर जा सकते हैं। उस महीने पर जाने के बाद उस डेट को क्लिक कर देंगे तो आपका डेट ऑफ एडमिशन वहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे विद्यालय के रजिस्टर में बच्चे का नाम जिस नंबर पर है यानी उसका रोल नंबर हम वहाँ अंकित कर देंगे। देखिए अगर ये स्टूडेंट आधार आपके पास है तो आप डालें, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट नेम, बच्चे का नाम हम इसमें डालेंगे। जिस बच्चे की एंट्री हमें करनी है उस बच्चे का नाम इस कॉलम में हमें फिल करना है, इसे हम भर देते हैं। उसके बाद वहाँ पे बच्चे के पिता का नाम भरेंगे हम। बच्चे के पिता का नाम भरने के बाद यहाँ देखेंगे बच्चे के माता का नाम भरेंगे। बच्चे की माता का नाम भर दिए। उसके बाद बच्चे की हम जन्म तिथि भरेंगे। जो बच्चे का जन्म तिथि हमने अपने अटेंड एडमिशन रजिस्टर में लिखा है उस जन्म तिथि को हम वहाँ पर लिख देंगे। उसके लिए इस वर्ष में जाने के लिए हम वर्ष पर क्लिक करेंगे। फिर उस वर्ष पर क्लिक करके उस महीने में जाकर वहाँ उस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। आगे उसका जेंडर डालेंगे। फिर उसका किस कैटेगरी से वो बच्चा आता है वो वहाँ पर डाल देंगे। उसके धर्म के बारे में फिर लिखेंगे, हिंदू मुस्लिम जो भी हो। उसके बाद यहाँ पर हम उसका मदर टंग यानी अगर हिंदी हो तो हिंदी, भोजपुरी हो तो भोजपुरी लिखेंगे। फिर उसका यहाँ पर जो दिया है हैबिटेशन और लोकेलिटी, यहाँ पर उसके गांव का नाम हम डाल सकते हैं। फिर हम पिन कोड लिखेंगे। अब यहाँ एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने में यह ध्यान देना है कि किसी तरह का कॉमा, कोई हाइफन या कोई स्पेशल मार्क नहीं लगाना है। सिर्फ आप गांव का नाम, प्रखंड का नाम और जिला का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ तरहनी कुदरा कैमूर। उसके बाद अगर बच्चा जहाँ रह रहा है वही उसका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर आप उसे सेम एज परमानेंट एड्रेस कर सकते हैं, और अगर अलग है तो उसे आप चेंज कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे कि बच्चा माइनॉरिटी से है, अल्पसंख्यक है, तो यस नो कर देंगे। बाकी इसमें भी यस नो करना है। अगर आपके पास बच्चे की फ़ोटो है तो यहाँ पर आप उस फोटो को लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि फ़ोटो 2 MB से कम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा का यहाँ पर देना है इंडियन नेशनल्स है, यस। आगे फिर यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर बच्चे इन सभी चीज़ों से लाभान्वित है तो उसे यस या नो करेंगे उसके अनुसार। अगर राशन मिलता है तो अंत्योदय योजना में यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। बच्चे का कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क, उसके शरीर पे तिल वगैरह कुछ भी वैसा कुछ हो, कट फट का कोई निशान हो तो उसे हम इस पर दर्ज कर देंगे।
आगे बढ़ने के बाद ये देखिए पूर्व विद्यालय का विवरण, यदि आप क्लास वन की एंट्री कर रहे हैं तो इसे भरने की जरूरत नहीं है, मगर यदि क्लास टू से लेकर एट तक के किसी भी बच्चे की एंट्री कर रहे हैं तो इसे आपको भरना होगा, उसके पूर्व विद्यालय का विवरण इसमें डालना होगा, तभी जाकर वह सबमिट होगा। तो हम क्लास वन की एंट्री कर रहे हैं इसलिए हम इस सेक्शन से आगे बढ़ेंगे। चलिए ये आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर बैंक डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप आठवीं कक्षा से ऊपर मतलब 9, 10, 11, 12 के छात्रों की एंट्री कर रहे हैं तो उनके लिए बैंक डिटेल्स डालना बिल्कुल मैंडेटरी यानी अनिवार्य है, उसके बिना आपका ये सबमिट नहीं हो पाएगा। इसलिए 1 से 8 तक के बच्चों का बैंक डिटेल्स अगर हो तो डाल दिया जाए, और मगर ये 9 से 12 तक के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, बिना इसके यह सबमिट नहीं होगा। आगे देखते हैं पेरेंट्स का मोबाइल नंबर यहाँ पर हम डालेंगे, उसके बाद अगर हमारे पास ये सारे सर्टिफिकेट्स उसके अवेलेबल हैं तो यहाँ पर उसे हम फाइल में बनाकर लगा देंगे। फिर ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास अवेलेबल हैं, ये डिटेल्स हैं, तो इसे भी हम यहाँ पर डाल देंगे। अंतिम में यहाँ पर सबमिट लिखा हुआ है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट वाले जगह पर देख रहे हैं आप, इसे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यस पर क्लिक करेंगे उस बच्चे का डाटा सेव हो गया। ये एक प्रक्रिया थी बच्चे के डाटा को सेव करने की, नया नामांकन जोड़ने की। अब अगर उसे हम देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर में हम व्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे, और व्यू बटन पर क्लिक करने के बाद हम सर्च करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, उसके पहले जो हमने किया वही आएगा, नया नहीं दिखाएगा। इसके पहले हमें क्लास डालना होगा। क्लास जैसे ही डाल कर हम सर्च करेंगे तो वन क्लास का जो हमने नया एंट्री किया है वो दिखाएगा, और इसमें आगे में देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी अगर हमको लगता है कि कोई गलती हुई है तो यहाँ इस एडिट के ऑप्शन से हम उसे सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार से हम नए बच्चों की एंट्री बारी बारी से कर लेंगे। धन्यवाद।